डायनासोर की उत्पत्ति और अंत आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक मछली से शुरू हुआ विकास क्रम डायनासोर की उत्पत्ति तक पहुंच चुका था, जिसकी सैकड़ों प्रजातियां धरती पर निवास करती थी। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ डायनासोर की प्रजातियां पूरी तरह मांसाहारी थे। इन विभिन्न डायनासोर के प्रजातियों में कुछ जमीन पर चलते थे तो कुछ आसमान में भी उड़ते थे। उस समय सबसे विशालकाय के रूप में डायनासोर का ही राज चलता था, जिससे जीवों की विकसित प्रजातियां भी खौफ खाती थी। लेकिन धरती पर राज करने वाले डायनासोर के अंत की कहानी 10 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिससे हर कोई अनजान था। धरती से दूर अंतरिक्ष में कोई चट्टान घूमता हुआ सूर्य की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उस रास्ते में मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड आ गई। उस एस्टेरॉयड में सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी चट्टान और उल्कापिंड घूम रहे थे, जिसमें एक उल्कापिंड के साथ छोटी सी चट्टान की टक्कर हो गया और उस टक्कर की वजह से उस चट्टान का सफर वहीं खत्म हो गया। लेकिन उस विशालकाय उल्कापिंड जाने नेक्स्ट पार्ट 2 में।